में यहाँ का वीडियो जो है हम तुमको डालते हैं। बहुत खूबसूरत गांव है और बहुत छोटा गांव है, लेकिन खूबसूरती यहाँ बहुत है, मतलब भाईचारा बहुत है। जैसे यहाँ पे हर बिरादरी के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, लेकिन कभी जो है कोई किसी में यहाँ पे बात नहीं हुई। यहाँ बहुत बहुत शांति गांव है। हम इसी का जो है आज आपको उदाहरण देंगे और वीडियो हम डालने वाले हैं यूट्यूब पे, इसीलिए बना रहा हूँ भाई लोग, और आप लोग चैनल पे बने रहना। और हम जो है थोड़ा हिस्ट्री पूछते हैं। ये पीपल का पेड़ है, सामने देख सकते हो, थोड़ा पीपल का पेड़ दिखाओ। ये पीपल का पेड़ बहुत पुराना पीपल पेड़ है। दादी से पूछता हूँ, दादी ये बताएं ये पीपल का पेड़ तकरीबन कितना पुराना होगा? यार 200 साल का। 200 साल पुराना पेड़ है यहाँ ये, मतलब आप पैदा नहीं हुई थी तब का पेड़ है? नहीं नहीं, और पुराने हैं। अच्छा, आज हमारे बुजुर्ग लोग ने इसको बता पाए, हमारे ससुरों से। अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं जो इनके ससुर ससुर थे वो लोग नहीं बता पाए कि ये कब का पेड़ है। तो इसकी ये पीपल के पेड़ की हिस्ट्री जो है बहुत लंबी है, इसका जो है हम बयान बाद में करेंगे। अभी जो है जिसके वजह से हम वीडियो बना रहे हैं, पहले उसको दिखाएं कि तुमको जैसे पता है कि 12 रबीउल अव्वल करीब है, और हम तुमको दिखाते हैं कि रामपुर में और दुर्गा पूजा भी है और उसके बाद में समझ लो 12 रबीउल अव्वल भी है। दोनों मिलजुल के साथ में ही मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के मनाते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। तो चलो हम जो है थोड़ा लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन ये मान के चलना तुम लोग कि वीडियो जो है बहुत जानदार होगी। बस आप लोग अगर रामपुर के रहने वाले हैं या रवनिया के या बुकुनपुर के, तो आप लोग चैनल पे बने रहना और पूरा हम तुमको हिस्ट्री दिखाते हैं यहाँ का जो है। और सीधा हम जो है गांव में घुस चुके हैं, और इधर सामने देख सकते हैं इधर मंदिर है, उसके ठीक जस्ट बाजू में ही थोड़ी दूर पे मस्जिद है। मतलब यहाँ एकता भाईचारा बहुत ज़्यादा है भाई लोग, बहुत ज़्यादा। ये खंजा है, इसके वजह से मोबाइल थोड़ी हिल रही होगी, थोड़ा बर्दाश्त करना अभी तुम लोग। और जितने रामपुर वाले हैं वो तो चाहे जितना हिलेगी वो तो देखेंगे ही। अब तुम लोग को पता ही होगा किस गली में घुसा हूँ, किस मोहल्ले में घुसा हूँ। अब यहाँ से हम सीधा बनाते हुए यहाँ से हम चले जा रहे हैं। बस ये मान के चलो, बस अभी जैसे ही हाईवे पर पार होंगे वैसे ही ये जो है ये हम लोग गली कूचे में, बहुत पहले यहाँ जो है आया करते थे हम जो है, लेकिन बहुत दिन के बाद यहाँ सफ़र मार रहा हूँ। और ये दादी है, देखो ये भाई से बंधी हुई है, और ये देखो चचा है। सलाम अलैकुम चचा, और क्या हाल यह है? ठीक है। तो चाचा हैं ये जो है, अपने चाचा हैं ये जो है, समझ लो हुक्का पी रहे हैं मज़े में बैठ के जो है। हाजी साहब माशाल्लाह, मोनुद्दीन जी, चाचा का नाम है मोनुद्दीन शदुल्ला शदुल्ला रामपुर रामपुर। हाँ तो चाचा अपने जो है देख सकते हैं अपना हुक्का लेके जुटे हैं जीवनी। चलो आगे बढ़ते हैं कि मंदिर है और यहाँ पे दुर्गा पूजा बैठा हुआ है अभी फिलहाल। और चलो बढ़ते हुए, ये इधर सब पहचान के हैं काफ़ी। सीधा जो है हम चले जा रहे हैं, ये स्कूल है, पंचायत घर भी है, इसमें सब कुछ है। चलो आगे बढ़ते हुए, और ये यहाँ का होटल है रामपुर का, जितने भी मेरे पहचान रामपुर वाले हैं भाई लोग देख सकते हैं यहाँ बैठ के तुम लोग चाय पीते रहे हो कभी। चलते रहो और देखते रहो, इन्जॉय करते रहो। तुलसीराम, ये जो है रामपुर के तुलसीराम हैं, इनकी आटे की चक्की है, आटे की चक्की है इनकी जो है। और ये सामने जो है मड़ाई देख सकते हो, इसी में बहुत ज़माने से ये जो है, कितना साल हो गया तकरीबन ये चक्की चालू किए हुए, आटे की चक्की कितना साल? अच्छा, इससे पहले कोई था नहीं था यहाँ पे चाय? अच्छा अच्छा, इससे पहले इसमें चाय की दुकान थी। अभी ये अच्छा है कि चाय की दुकान अच्छी थी? ये अच्छा है कि चाय की दुकान अच्छी थी? चल रही है, मतलब ठीक ठाक मामला है ना इसमें?
हाँ 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 बस क्या करोगे, चलो जो है खड़ा हो के देखो, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत बहुत अच्छा देख सकते हो, पूरा आजू बाजू पेड़ है और नीचे देखो। हम जितना कोशिश कर रहे हैं एकदम सफाई वीडियो बनाएं कि तुम लोग को बोरिंग महसूस ना हो और अच्छे से अच्छे बनते रहें। और यहाँ से जो है सीधा जो है हम निकले, क्योंकि फैमिली है, यहाँ से हम वीडियो जो है रोकते हैं, उसके बाद में आगे जो है चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, फैमिली से क्या करना है, एक झलक। और हाँ ये देख सकते हो ये अपने मुतीन भाई का खेत है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये सब मुतीन भाई का है। सरकड़ी की मछली यहाँ गिरती है, बता दो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो करहावा की मच्छी जो है यहीं पे जो है आती है, यहीं पे लगा रहता है सब कुछ बारिश के टाइम पे। फिलहाल अभी तो पानी कम हो रहा है। चलो ये फार्म तो पहचान ही रहे हो भाई लोग, किसका है भाई ये? ये नज़र का फार्म है, ये पैसे वाली गाड़ी जा रही है, जाते रहो। अब चलो हम जो है घुस गए हैं रवनिया में, अब यहीं से जो है डायरेक्ट देखते रहो। बहुत समझ लो कि मेहनत करके वीडियो बन रही है, तो ये मान के चलना कि तुम लोग जो है मिस नहीं करना है वीडियो को। इसे पता है कि अभी जो है इस वक्त जो है ईद मिलादुल नबी का जो है वो चल रहा है, बस ये मान के चलो। कब है? 19 तारीख को है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है झंडा, ये माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते रहो, फिर दिखाता हूँ। इनको तो पहचान ही रहे हैं चाचा अपने। अब देखो यहाँ से जो है पूरा जो है ये पूरी रवनिया की सीन है भाई लोग, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जितना बताया जाए उतनी तारीफ की जाए उतना कम है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे मुतीन भाई बढ़ो, इसे धीरे धीरे भाई लोग को दिखा दूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये देखो सब मुतीन भाई ये किए हैं नेक काम, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये लाल हरा काला सब झंडा जो है मुतीन भाई ने फिट किया है, ये हर साल करते हैं, ये नेक काम बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना किया जाए उतना जो है ना। चलो हम जो है अपने अड्डे पहुंच गए, और वीडियो कैसा लगा भाई लोग ज़रूर बताना, और फिर जो है किसी टाइम हम वीडियो इसी बना के डालेंगे। अभी हम वीडियो पूरी कर चुके हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम।